तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यूड में। तो आज हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसमें कि हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट ये है कि उनको एक वेडिंग फ़ोटो है जिसमें मेन 3 पर्सन है एंड उनको एक पर्सन जो है वो ऐड करवाना है। सो ये तो जो फोटोज़ है आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये मुझे कस्टमर की ओर से रिसीव हुई है एंड आज की वीडियो में हम इसी दोनों फ़ोटोज़ को एडिट करने वाले हैं, साथ में कंबाइन करेंगे। ओके एंड अगर आपको भी मुझसे फोटो एडिट करवानी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड जीमेल पे। ओके, सारी के सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो ना। ओके, तो आज के जो हम फोटो एडिट करने वाले हैं उसमें मेन 5 स्टेप होंगे जिसको हम फॉलो करेंगे कंप्लीट हमारा फोटो एडिट करने के लिए। एंड मेनली यही स्टेप जो है वो मैं एवरी फोटो एडिट में फॉलो करता हूँ। सो स्टेप 1 जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि बैकग्राउंड जनरेशन। इसमें कि हम करेंगे एक प्लेन ब्लैंक बैकग्राउंड जनरेट करेंगे, जो भी मेन हमें इमेज होगी ओके हमारी, उसमें से सारे मेंबर्स को रिमूव करना है एंड हमें एक चाहिए ब्लैंक बैकग्राउंड जिसमें कोई भी पर्सन ना हो, सिर्फ बैकग्राउंड हो। ओके, तो वो हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे स्टेप 1 में। सेकंड स्टेप में हम करेंगे कि सेपरेट पर्सन फ्रॉम फोटोज। ओके, हमें जितनी भी फोटोज रिसीव हुई है क्लाइंट या फिर कस्टमर की ओर से, उन सभी इमेजेस में से क्या करना है कि बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, हमें सिर्फ चाहिए पर्सन के PNG। ओके, सो सेपरेट आउट करेंगे पर्सन को फ्रॉम बैकग्राउंड। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमने अब कर लिया है बैकग्राउंड रिमूव एंड सभी पर्सन को सेपरेट कर लिया है, तो जितने भी पर्सन को हमने सेपरेट किया है उन सभी को कंबाइन करेंगे टुगेदर। ओके, तो ये स्टेप हमारा थर्ड हो गया। ओके, अब थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद फोर्थ स्टेप में हम करेंगे लाइटिंग एंड कलर एडजस्टमेंट। ओके, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लाइटिंग एंड कलर एडजस्टमेंट करने में। एंड जो हमारा लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप है वो है रीटचिंग। ओके, अगर फोटो में रीटचिंग की ज़रूरत है तो वो करेंगे हम। तो इतने स्टेप में फोटो एडिटिंग होने वाली है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जो भी प्रोसेस है फोटो एडिटिंग का वो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो अब आपको इमेज अपनी जो है वो फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेनी है, देन उसको रिसाइज करो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी फोटो थोड़ी छोटी है, तो हम इसको एक्सपांड करेंगे। इसके लिए एक सिलेक्शन टूल लेके जितना एरिया को आपको एक्सपांड करना है उतना सिलेक्ट करेंगे एंड जनरेटिव फिल यूज़ करेंगे इसके लिए। ओके, ये हमें 3 ऑप्शन देगा डिफरेंट डिफरेंट, आपको जो अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। ओके, देन इसके बाद इन दोनों लेयर्स को हम साथ में मर्ज कर देंगे। एंड आपको जिनको भी रिमूव करना है फोटो में से, यानी कि हमें ब्लैंक बैकग्राउंड चाहिए, तो उन सभी पर्सन की एक रैंडम सिलेक्शन बना लेंगे। देन यहाँ पे टाइप करेंगे रिमूव एंड प्रेस एंटर करेंगे, फोटोशॉप खुद से प्रोसेस करेगा एंड पर्सन को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। ओके, ये फीचर सिर्फ लेटेस्ट फोटोशॉप वर्जन में अवेलेबल है, सो मेक श्योर करें कि आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हो। तो हमारा ये स्टेप 1 जो था वो कम्प्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि सारे फोटोज़ में से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, तो इसके लिए मैं फोटोशॉप का ऑटोमेटिक जो सिलेक्शन टूल है वो यूज़ करूँगा। देन उसके बाद एक मैनुअल लासो टूल का यूज़ करूँगा सिलेक्शन को प्रॉपर बनाने के लिए। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरीके से अगर कोई पार्ट रह गया है सिलेक्शन में तो हम लासो टूल का यूज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी 90% जो हमारा वर्क है वो सिलेक्शन का हो गया है। अब जो 10% का बच गया है उसको हम करेंगे मास्क का यूज़ करके ब्रश टूल लेंगे। ब्रश हम ब्लैक कलर का रखेंगे एंड मास्क के ऊपर पेंटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हम प्रॉपर सिलेक्शन बना रहे हैं अपने फोटोज़ में जो भी जितने भी पर्सन हैं उनकी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अपना टाइम लीजिए। ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है ताकि आपका सीखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ओके, सो एन्जॉय द वीडियो। जब भी मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ में। ओके, तो अब पर्सन को हमने सक्सेसफुली सेपरेट आउट कर दिया है। अब दोनों को भी सेपरेट कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे। ओके, एक लेयर पे रहेगी सिर्फ हमारी ब्राइड एंड सेकंड लेयर पर रहेगी ग्रूम एंड ग्रैंडफादर। ओके, एंड अब सेकंड लेयर में से हम ब्राइड को रिमूव करेंगे।
हमारे पास दो सेपरेट लेयर हो गए, जिसमें एक लेयर पे होगी ब्राइड एंड एक लेयर पे होगी ग्रैंडफादर एंड ग्रूम। ओके, तो हम बीच में अब ग्रैंड मदर को ऐड करेंगे। तो अब उनकी फ़ोटो को इंपोर्ट करते हैं, उनकी फ़ोटो में से भी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। ओके, इसके लिए भी आप मास्क का यूज़ कर सकते हो। ओके, ये बेस्ट तरीका है अगर आपको किसी को भी बैकग्राउंड से सेपरेट आउट करना है तो। ओके, सो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड ऑलमोस्ट हमने रिमूव कर दिया है। ओके, अब थर्ड स्टेप आएगा, जिसमें सभी सभी लेयर्स को हम साथ में कंबाइन करेंगे। ओके, तो अब आपको केयरफुली सभी पर्सन को अपनी जगह पे प्लेस कर देना है। हाइट वगैरह आपको देख लेनी है, अगर हो सके तो अपने कस्टमर से पूछ लीजिए कि भाई किसकी हाइट किसी के कंपैरिजन में कितनी है। ओके, तो वो अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली सेट कर दिया है सबको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जहाँ पे हम करेंगे कलर करेक्शन एंड लाइटनिंग एडजस्टमेंट। तो भाई लोग, आज की वीडियो बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो, एंड ऑर्डर प्लेस करना हो तो आपको बताइए क्या करना है। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय।